हेलो फ्रेंड, आप सभी का घुलचल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज क्या होगा, 200 रुपये का कैशबैक आपको मिलेगा दोस्तों। जी दोस्तों, और इसे पाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपके पास पेपल का एक अकाउंट होना चाहिए, और दूसरा जो अकाउंट है दोस्तों वो होना चाहिए झींगा का अकाउंट होना चाहिए, और तीसरा जो है दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक का वर्चुअल डेबिट कार्ड होना चाहिए दोस्तों, तब जाके आपको 200 रुपये का कैशबैक मिलेगा दोस्तों। तो कैसे मिलेगा, चलिए जानते हैं दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं दोस्तों। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Welcome back दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मैं ये बताता हूँ कि आपके पास एक एयरटेल पेमेंट बैंक का एक अकाउंट होना चाहिए, वो भी फ्रेश होना चाहिए दोस्तों। और इसके तहत आपको एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट में आपके कम से कम 403 रुपये रहने चाहिए दोस्तों। तो वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, वर्चुअल डेबिट कार्ड इस तरह से होता है दोस्तों। देखिए, मैंने अभी वर्चुअल डेबिट कार्ड बना लिया दोस्तों। अभी आप 101 रुपये है मेरे पास, अभी उसमें और 100 रुपये मैं डाल देता हूँ, 300 रुपये, 300, कम से कम कुल मिला के 300, 401 रुपये हो जाता है दोस्तों। पर आप 403 रुपये डाल दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वो 3 रुपये जो है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, 3 रुपये का क्या काम है दोस्तों। देखिए दोस्तों, और फिर उसके बाद आपको MPIN तैयार करना है दोस्तों। तो देखिए, अभी मैं 300 रुपये है यहाँ से इस मेरे एयरटेल पेमेंट बैंक में ऐड कर लेता हूँ दोस्तों, और 400 कुल मिला के 403 रुपया 1 रुपया हो जाता है दोस्तों। आपके पास 401 होना चाहिए दोस्तों, यानी 401 रुपये आपको वहाँ पे आपके डेबिट कार्ड, वर्चुअल डेबिट कार्ड में ऐड करना है दोस्तों। तो चलो दोस्तों, अभी मैं 300 रुपये ऐड कर लिया हूँ। अब इसमें मैं अभी CVV डाल देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी मैं पेमेंट कर लेता हूँ दोस्तों, यानी मैं अभी बैंक से इस वर्चुअल डेबिट कार्ड में मनी ऐड कर रहा हूँ दोस्तों। तो देखो दोस्तों, अभी मुझे बैंक की तरफ से एक OTP आ जाएगा, और देखिए आ गया दोस्तों। अभी मैं ऐड कर लेता हूँ दोस्तों इसमें, और पेमेंट सक्सेसफुल कर लेता हूँ दोस्तों। मेरे अकाउंट में अभी 301 रुपये रहेंगे दोस्तों, मगर आपको दोस्तों 304 रुपये ऐड करना है दोस्तों। तो इस तरह से इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को आप हैंडल कीजिए दोस्तों, मैं जैसे बता रहा वैसे ही कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, ट्रांजेक्शन हो चुका है दोस्तों 300 रुपये का, और मुझे मैसेज भी आ चुका है दोस्तों। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये वर्चुअल डेबिट कार्ड का तो काम हो गया, उसको आपको कॉपी करना है दोस्तों। अब उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, फ़ोनपे का एक अकाउंट क्रिएट करना है दोस्तों। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक ब्राउज़र, क्रोम ब्राउज़र में चले जाइए, और पेमेंट पेपल अकाउंट ऐसे टाइप कीजिए दोस्तों। जैसे आप टाइप कर लेते हो तो आपके सामने ऐसे 2-3 वेबसाइट आ जाएंगे दोस्तों। तो इसमें आपको नीचे में जैसे दिख रहा है सिग्न अप टू फ्री पेपल अकाउंट, वहाँ पे क्लिक करना है दोस्तों। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको क्या करना है, और शॉपर, वहाँ पे आपको क्लिक करना है दोस्तों, और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है दोस्तों। जैसे आप नेक्स्ट कर देते हैं दोस्तों, तो फिर से आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म आ जाएगा दोस्तों, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे मैं आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे आपको करना है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप कीजिए, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी मैं मेरा फर्स्ट नेम डाल देता हूँ, मिडल नेम जो वहाँ पे देखे हैं, अगर आपने मिडल नेम डाला भी नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, सीधा आप क्या करिए लास्ट नेम डाल दीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे अभी मैंने वहाँ पे अभी लास्ट नेम डाल देता हूँ दोस्तों। और एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे आप वर्चुअल डेबिट कार्ड एयरटेल मनी पेमेंट बैंक का बनाते हो, तो उसका उपयोग अपन 2 बार कर सकते हैं दोस्तों, 2 से 3 बार आप यूज़ नहीं कर सकते दोस्तों, सिर्फ 2 बार ही यूज़ कर सकते दोस्तों वर्चुअल डेबिट कार्ड का दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैंने लास्ट नेम डाल दिया, अभी मैं अभी मेरा ईमेल आईडी डाल देता हूँ दोस्तों। आपको भी ईमेल आईडी फ्रेश रहना चाहिए, यानी नया ईमेल आईडी डाल दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक पेपर अकाउंट में सिर्फ एक ही ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होता है दोस्तों, यानी एक अकाउंट में एक ही ईमेल आईडी का यूज़ हो सकता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस तरह से अभी मैं डाल देता हूँ मेरा ईमेल आईडी, और उसके बाद दोस्तों पासवर्ड एक क्रिएट कर लेता हूँ दोस्तों, क्रिएट पासवर्ड। तो दोस्तों, ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप हर एक मोबाइल पे पेपल अकाउंट बना लीजिए, यानी हर एक मोबाइल पेपल अकाउंट में आपको 200 रुपये कैशबैक मिल जाएंगे दोस्तों। तो कैसे मिलेगा बाद में आपको बता देता हूँ दोस्तों। अभी आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा दोस्तों, मैं मेरा मोबाइल डाल देता हूँ दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ भी डाल देता हूँ, और नीचे मैं आपको एक दिख रहा हूँ दोस्तों, आई एग्री रिसीव, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है दोस्तों, और नीचे में बाय क्लिकिंग द बटन बिलो, वहाँ पे भी क्लिक करना है, और एग्री क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। जैसे आप क्लिक करते हो दोस्तों, तो फिर से आपके सामने ये नया ऑप्शन आ जाएगा, और आपको एक मैसेज शो हो जाएगा दोस्तों, सक्सेसफुली क्रिएट अकाउंट दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी मैं मेरा मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों, अगर स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और 200 रुपये आपको कैशबैक नहीं मिलेगा दोस्तों।
तो इस तरह से देखिए मोबाइल नंबर डाल दिया, अभी मैंने क्लिक कर लिया दोस्तों, अभी मेरे सामने एक नया एक पेज ओपन होने वाला है और मुझे एक मैसेज शो हो जाएगा दोस्तों, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। देखिए दोस्तों इस तरह से, तो आपको क्या करना है, नीचे में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है मतलब दोस्तों, देखिए दोस्तों गेट पेड, वहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, क्लिक करना है और वहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, गेट पेड फास्टर, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको आपका जो क्रेडिट कार्ड, मैं जब ये बोला था एयरटेल पेमेंट बैंक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट या डेबिट कार्ड दोस्तों, तो डेबिट कार्ड आपको क्या करना है दोस्तों, वहाँ पे नंबर आपको डाल देना है उस क्रेडिट कार्ड का या डेबिट कार्ड का दोस्तों। वर्चुअल डेबिट कार्ड का नंबर मैंने डाल दिया दोस्तों, वो मेरा मास्टर कार्ड का डेबिट कार्ड है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों वहाँ पे मैं डेबिट नंबर, मेरा डेबिट कार्ड का नंबर डाल देता हूँ और नीचे में उसकी डेट डाल देता हूँ और CVV डाल के ये वहाँ पे ये कार्ड ऐड कर लेता हूँ दोस्तों। ऐसे आपको हर अकाउंट में दो बार सिर्फ आपको करना है दोस्तों, यानी ये पहली बार और उसके बाद एक दूसरी बार, यहाँ पे आप दो सिर्फ वर्चुअल डेबिट कार्ड का दो बार ही यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और जस्ट अभी आपने इसको ऐड करने के बाद, यूज़ होने के बाद, जैसे आपको 200 रुपये कैशबैक मिल जाता है दोस्तों, तो आप सीधा अकाउंट में जाइए और ये जो डेबिट कार्ड है दोस्तों या क्रेडिट कार्ड है दोस्तों, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, यानी आपको डिलीट कर देना है दोस्तों। फिर से आप नया अकाउंट ओपन कीजिए और यही डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड वहाँ पे ऐड कर लीजिए दोस्तों, दो बार आप इसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और उससे पहले वहाँ पे आपको 403 रुपये ऐड करना है दोस्तों, ये मत भूलिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ऐड करने के बाद अभी सिक्योरिटी चैलेंज वहाँ पे आ गया दोस्तों, तो देखिए उसके बाद आपको एक और मैसेज हो जाएगा दोस्तों। ये ऐड होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, फिर से आपको देखिए दोस्तों वहाँ पे शो हो रहा है एम पिन आपको क्रिएट करना है दोस्तों। जैसे आप पेपल अकाउंट में जैसे जाते हैं दोस्तों, आपने जो ऐड किया, देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 रुपये जो मोबाइल जो अपन पेपल अकाउंट और जो एयरटेल का जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है तो वेरीफाई होता है और उसके वेरीफाई के चार्जेस 2 रुपये हैं दोस्तों, कट जाते हैं दोस्तों। तो ये तो हो गया दोस्तों, ऐड हो गया आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड और उसके बाद आपको रिटर्न जाना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस तरह से आपका स्टार्ट, जैसे यहाँ पे लिखा है डिस्कवर एक्सक्लूसिव ऑफर, नीचे में आपको गो टू योर अकाउंट वहाँ पे क्लिक कर लीजिए दोस्तों, गो टू योर अकाउंट में चले जाइए और उसके बाद आपके सामने पेपल का ऐसा एक इंटरफेस दिखाई देगा दोस्तों। देखिए दोस्तों यानी आपका जो पेपल का अकाउंट वो सक्सेसफुल क्रिएट हो गया दोस्तों। और इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रा सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ये वीडियो सबको शेयर करें दोस्तों, ताकि सब लोग इसका जो ऑफर का मज़ा लूट सके दोस्तों। तो चलो दोस्तों बैक चलते हैं और उसके बाद आपको मैं लेके चलता हूँ झिंगो ऐप। तो ये झिंगो ऐप आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, रजिस्ट्रेशन फ्री में करना है दोस्तों। और फटाक्सी जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपके सामने और एक बात बताना चाहता हूँ, KYC ज़रूर कर लेना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों KYC आप पैन कार्ड वोटर आईडी भी से कर सकते हैं, और जैसे आप गिफ्ट कार्ड वहाँ पे झिंगो में जाते हो तो आपको गिफ्ट कार्ड देखना है दोस्तों, वहाँ पे पेटीएम का और जैसे अमेज़ॉन का और झिंगो का और जैसे फ्लिपकार्ट का, ऐसे 2-3 जो गिफ्ट कार्ड है दोस्तों, ये आपको देखना है दोस्तों। अगर आपको कोई नहीं मिलता तो झिंगो का एक गिफ्ट कार्ड खरीद लीजिएगा दोस्तों, सिर्फ 400 रुपये वाला। देखो दोस्तों 400 रुपये का मैंने अभी यहाँ पे खरीद लिया है दोस्तों, झिंगो का गिफ्ट कार्ड है। यहाँ से पेपल आपको ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे पेपल में क्लिक कर लीजिए दोस्तों और पे नाउ 400 रुपये ऐसे वहाँ पे पेमेंट कर लीजिए दोस्तों। बहुत ही ईजी है दोस्तों, सिर्फ आपने चाहिए आप बराबर देख लीजिए दो। देखो दोस्तों पेपल के अकाउंट में आ गए हम, और मैं ऊपर में मेरा ईमेल आईडी डाल देता हूँ दोस्तों, और नीचे में पासवर्ड डाल देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे आ गए हैं पेपल के पेमेंट ऑप्शन में आ गए दोस्तों। देखिए पेपल पे आप क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों, पे नाउ पे 400 रुपये पे ऐड कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे ऊपर में लिखा है दोस्तों 50% कैशबैक एंड 50% कैशबैक 200 रुपये आफ्टर 400 अबाव दोस्तों। तो 400 ऐसा आपको लिखा मिला होगा दोस्तों, ऑफर दिख रहा होगा दोस्तों ऊपर में, तभी आपको मिलेगा, ये ध्यान में रख लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों अभी प्रोसेस हो गए, पे नाउ पे मैंने क्लिक करने के बाद पेमेंट हो रहा है दोस्तों, प्रोसेस में है दोस्तों। देखिए दोस्तों जो वर्चुअल डेबिट कार्ड आपने ऐड किया था, मैंने ऐड किया था, वो आ गया दोस्तों। यहाँ पे CVV मैं डाल देता हूँ दोस्तों और कंटिन्यू में क्लिक कर लेता हूँ दोस्तों। इस तरह से ही आपको करना है, स्टेप आप मिस मत कीजिए, कंटिन्यू में कीजिए दोस्तों। ये देख लीजिए दोस्तों, देखिए MPIN भी आ गया दोस्तों, अभी मैं MPIN डाल देता हूँ और पेमेंट सक्सेस कर लेता हूँ दोस्तों। आप सभी जो मैं स्टेप आपको बारी बारी से बता रहा हूँ, सब आप स्टेप बारी बारी से देख लीजिए, वीडियो को स्किप मत करिए दोस्तों। देखिए दोस्तों मैंने अभी MPIN डाल दिया दोस्तों और पेमेंट मैं अभी सक्सेस करने वाला हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों सबमिट में आप क्लिक कर लीजिए दोस्तों और आपका ट्रांजेक्शन चालू हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों इस तरह से आपको
करना है फॉलो। देखिए दोस्तों पेमेंट डन सक्सेसफुल ऑर्डर हो गया, प्रोसेस ऑर्डर हो चुका है। देखिए चेक ऑर्डर पे डिटेल्स पे क्लिक कर लीजिएगा और देख लीजिए दोस्तों 400 रुपये का आपका पेमेंट हो हुआ नहीं हुआ। दोस्तों देखिए ऊपर में मैसेज भी आ गया डिडक्शन का और मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया और मुझे जिंगोए का गिफ्ट कार्ड 400 रुपये का मिल गया है। दोस्तों इसी तरह से आपको अभी देखिए ऑर्डर सिस्टम में आपको बता देता हूँ दोस्तों मुझे गिफ्ट कार्ड मिला है या ना मिला। दोस्तों देखिए दोस्तों ऊपर में आपको दिख रहा होगा दोस्तों पेमेंट सक्सेसफुल, 400 रुपीज़ का गिफ्ट कार्ड मुझे मिल चुका है। दोस्तों इसी तरह से आपको ट्रांजेक्शन करना है, इसी तरह से आपको देखना है। दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें। दोस्तों फिर से एक बार बता रहा हूँ दोस्तों, अगर वीडियो का पसंद तो लाइक ज़रूर कर दोस्तों। तो इसी तरह से वीडियो मैं आपको आपके लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों देखिए दोस्तों झींगो का इस तरह से आपको गिफ्ट कार्ड खरीदना है दोस्तों। और देख दोस्तों और एक बात ध्यान में रखना है दोस्तों, जैसे आप 400 रुपये गिफ्ट कार्ड खरीदने के बाद फिर से आपको क्या करना है दोस्तों, 5-10 मिनट रुकना है दोस्तों और फिर से आपको 200 रुपये का गिफ्ट कार्ड खरीदना है दोस्तों। क्यों 5-10 मिनट रुकना है? क्योंकि प्रोसेस के लिए वक्त रहता है दोस्तों। देखिए दोस्तों अभी मैं 200 रुपये का गिफ्ट कार्ड देख रहा हूँ, यहाँ पे गिफ्ट कार्ड ले लिया दोस्तों मैंने 200 रुपये का और 200 रुपये का गिफ्ट कार्ड खरीद रहा है दोस्तों। देखिए प्रोसेस में हो गया दोस्तों, पेमेंट नाउ पे आ रहा है दोस्तों 200 रुपये का। और फिर से आपको पेमेंट ऑप्शन में जाना है और फिर से आपको पेपल सेलेक्ट करना है दोस्तों और आपका जो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा क्योंकि 200 रुपये का कैशबैक मिल रहा है दोस्तों आपको। देखिए अभी मैंने क्लिक करने के पे नाउ पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको पूछा जाएगा दोस्तों, कंटिन्यूशन में आपको कंटिन्यू डाल देना है दोस्तों। और फिर से आपको जो वर्चुअल डेबिट का ऐड किया था आपने वहाँ पे आपको एम पिन डाल देना है दोस्तों। देखिए दोस्तों प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पे फिर से एक बार वो प्रोसेस हो चुकी है और ऑर्डर सक्सेसफुल हो चुका है। यानी ये जो 200 रुपये का फ्री आपको कैशबैक मिल रहा है दोस्तों, इस 200 रुपये का आप गिफ्ट कार्ड खरीद लीजिए, बाद में आप रिडीम कर सकते हैं और सीधा आप उनके बैंक अकाउंट में ये मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं दोस्तों। और ये था दोस्तों आज का वीडियो। और आप एक कीजिएगा दोस्तों, हर मोबाइल नंबर पे आप पेपल अकाउंट और झींगा अकाउंट आप अकाउंट बना लीजिए और देखिए दोस्तों हर मोबाइल में आप 200 रुपये का कैशबैक कमा सकते हैं दोस्तों। और वर्चुअल डेबिट कार्ड का आप 2 बार ही यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, तीसरी बार नहीं कर सकते दोस्तों। तो जैसे आप वर्चुअल डेबिट कार्ड का 2 बार यूज़ करने के बाद वो डिलीट करते जाइए दोस्तों, पहली बार यूज़ करने के बाद डिलीट कर लीजिए वर्चुअल डेबिट कार्ड और वही वर्चुअल डेबिट कार्ड फ़ोनपे पे ऐड कर लीजिएगा दूसरी बार दोस्तों। और बाद में जो तीसरा है आपके पास तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये था आज का वीडियो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें।